कार्डिनल तेलेस फोपी टोप्पो का अंतिम संस्कार आज 11 अक्टूबर को राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को पुरुलिया रोड स्थित संत मारिया गिरजाघर में रखा गया है, जहां उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी कतार सुबह से ही लगी है। चर्च में विशेष प्रार्थना की जा रही है। कार्डिनल तेलेस फोपी टोप्पो को श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कार्डिनल तेलेस फोपी टोप्पो का निधन को एक बड़ी क्षति है। उनके कुछ मुद्दे आते थे, उन पर प्रखर होकर अपनी बातें रखते थे, लेकिन ह्यूमन राइट्स इश्यूज को लेकर के, संविधान के इशू को लेकर के, महिलाओं के इशू को लेकर के वो अपनी आवाज बुलंद करते थे और इस हैसियत से वो स्टेट्समैन थे। The God is one. We have every right to worship the God in our own way. Religions have been created to make the people more spiritual and more obeying to the natural laws. It is very sad. Any death is always painful. Our Cardinal's death is more painful because he has worked for the society all the time. He dedicated his whole life for the upliftment of the Brown Fadan people, the tribal people, and he was the first cardinal who got elected from the entire East Asian countries. That is a great honor that India had, and today he is no more with us, but the legacy what he has left with us will be the guiding force for us for the years to come. We all pray that the noble soul should reach the holy feet of the Christ. अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।